हेलो गाइस, मैं हूँ अभिषेक चिलवर। मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टार लाइक में। सो गाइस, जैसे सोनी लियो अभी लॉन्च हुआ है OTT प्लेटफॉर्म्स के कंपटीशन में, तो अपनी मूवीज़ के साथ वो एक वेब सीरीज भी लाया है, योर ऑनर। वो मैंने अभी देख के फिनिश किया और उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपके देखने लायक है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जज खुद क्राइम करेगा तो उससे कौन जज करेगा। योर ऑनर ये एक इसराइल वेब सीरीज की हिंदी रीमेक है। जो इसराइल वेब सीरीज थी उसका नाम था कोडो, KVODO, कोडो। और इसका रन टाइम है 12 एपिसोड का, और सारे 12 के 12 एपिसोड ये एक आधे घंटे के आसपास के हैं, 30 मिनट से 36 मिनट के आसपास के। और इसे आप सोनी लिव ऐप पे देख सकते हो। और इसकी कास्ट की बात करें तो इंटरेस्टिंगली इसकी कास्ट काफ़ी अच्छी है। जिम्मी शेरगिल है बिशन खोसला के रोल में, वरुण बदोला है काशी के रोल में, उनके अलावा पारुल गुलाटी है, तानिया कालरा है, पुलकित मलकोल है, सुहासिनी मुल्ले हैं, यशपाल शर्मा है, मीता वशिष्ठ हैं, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो स्टोरी इसकी ये है कि एक जज है बिशन खोसला, उसका बेटा है अबीर खोसला, उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट करके वहाँ से भाग जाता है, तो उसके खिलाफ हिट एंड रन का केस बन जाता है। तो बिशन खोसला को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपने बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर का बेटा है, तो ये सब देख के वो घबरा जाता है और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है पुलिस से और गैंगस्टर से। तो पूरी वेब सीरीज की स्टोरी यही है कि बिशन खोसला अपने बेटे को पुलिस से बचा पाता है या नहीं बचा पाता है, या गैंगस्टर से बचा पाता है या नहीं बचा पाता। और बचाते बचाते वो काफ़ी सारे क्राइम पे क्राइम, एक के बाद एक क्राइम करता जाता है। वो खुद पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये योर ऑनर सोनी लिव पे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। परफॉर्मेंसेस में सबसे पहले बात करते हैं जिम्मी शेरगिल की। जिम्मी शेरगिल बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको अपने बॉलीवुड में अभी तक कोई अच्छा खासा मुकाम हासिल नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने पंजाबी फिल्मों में अपना अच्छा खासा करियर बना लिया और वहाँ इनका काफ़ी ज़्यादा नाम चलता है, और इसी वजह से कि वेब सीरीज पंजाब में सेट हो सकता है इनको मेन लीड में लिया है। उन्होंने अपने रोल को, बिशन खोसला के रोल को, बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्टली निभाया है और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो कितने टैलेंटेड हैं और कितनी काबिलियत भरी पड़ी है उनके अंदर। इस वेब सीरीज़ के साथ इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली जो बिशन खोसला का कैरेक्टर है जिमी शेरगिल का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे शेड्स हैं उसके, मतलब जब मुसीबत उसके बेटे के ऊपर आती है तो कैसे कैसे वो नई नई चालें चलता है, और उसको देखते देखते वो एक शरीफ आदमी से एक क्रिमिनल बन जाता है। सेकंड, पुलकित मकोल। पुलकित मकोल जिन्होंने बिशन खोसला के बेटे का रोल किया है अबीर खोसला का, अबीर के रोल में वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज लगे हैं, और मुझे उनके परफॉर्मेंस को देख के ऐसा लगा कि उनकी जगह अगर इस कैरेक्टर में और कोई होता या फिर और कोई टैलेंटेड एक्टर होता तो और अच्छे से कर पाता। कहीं कहीं पर वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, कहीं कहीं पर अंडर एक्टिंग कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर और कोई एक्टर होता, अगर कास्टिंग का काम ठीक से किया होता और उनकी जगह किसी और एक्टर को लेते तो ये रोल और अच्छे से हो सकता था। वो बहुत अजीब लगे हैं इस एक्टर। थर्ड, यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा पंडित के रोल में है और वो एक दूसरी गैंग के लीडर हैं, गैंग लीडर हैं, जो कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी राइवल गैंग है, और उनके एक रिलेटिव के इन्वॉल्व होने की वजह से वो भी इस केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं अपने रिलेटिव को छुड़ाने के लिए, ये सब इसकी स्टोरी है। और यशपाल शर्मा ने अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से किया है। वो वन ऑफ माय फेवरेट विलेंस हैं। जब मैंने उनकी गंगा जल देखी थी तब से मैं उन्हें पसंद करता हूँ, और उसके बाद से वो धीरे धीरे कम दिखने लग गए हैं। अगर दिखते भी हैं तो छोटे बजट की मूवीज़ में दिखते हैं जो उतनी नज़र में नहीं आती हैं, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद उन्हें किसी ढंग की वेब सीरीज़ या मूवी में देखने को मिला तो अच्छा लगा देख के। अब बात कर लेते हैं सपोर्टिंग कास्ट की। तो सपोर्टिंग कास्ट में वरुण बदोला ने एक फ्रेंड के रोल को, काशी के रोल में, बहुत अच्छी तरीके से निभाया है।
अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड जैसे कहते हैं। मीता वशिष्ठ का एक इंटरोगेशन का सीन है, तो वो सीन सबसे बेस्ट है उनकी परफॉर्मेंस में और सबसे ज़्यादा देखने लायक सीन है। सेकेंड हाफ के अंदर आता है जब उनके खिलाफ एक इंटरोगेशन चल रही होती है। और इनके अलावा जितने भी एक्ट्रेस हैं, पारुल गुलाटी हो गई, सुहासिनी मुल्ले हो गई, तानिया कालरा हो गई, इन सब ने भी अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से किया है। ओवरऑल एक्टिंग के और परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में वेब सीरीज़ खड़ी करती है और आपकी सारी उम्मीदें पूरी करती है। लेकिन लेकिन पूरी एक्टिंग में पूरी कास्ट को छोड़ के जो अबीर खोसला का रोल जो एक्टर कर रहा है पुरकित मकौल, उनको छोड़ दें तो बाकी पूरी कास्ट अच्छे से काम किया और सब ने अच्छी एक्टिंग किया है। एक उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एवरेज एक्टिंग की है। अब बात करते हैं इसके गुड और बैड एस्पेक्ट्स की। पहले बात करेंगे बैड एस्पेक्ट्स की। फर्स्ट, लेंथ काफ़ी बड़ी है इस वेब सीरीज़ की। टोटल 12 एपिसोड हैं, मतलब एक दर्जन एपिसोड हो गए। 12 एपिसोड देखते देखते सर पक जाता है। सारे एपिसोड यही करीब 35 से 40 मिनट के आसपास के हैं, तो ये एपिसोड का नंबर कम होता है, फिर ड्यूरेशन थोड़ी कम होती तो थोड़ा रहम हो जाता है ऑडियंस के ऊपर। चल, उसकी वजह से बहुत लंबी वेब सीरीज़ है। सेकेंड, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, मतलब पूरी वेब सीरीज़ में फ्रेम टू फ्रेम, सीन टू सीन कॉपी पेस्ट मारा गया है। जो उसकी ओरिजिनल वेब सीरीज़ है, जो इसराइल की ओरिजिनल वेब सीरीज़ है, उससे इस वेब सीरीज़ में सब कुछ कॉपीड है और सीन टू सीन कॉपी है, फ्रेम टू फ्रेम। थोड़ा बहुत भी अपना खुद का दिमाग नहीं लगाया मेकर्स ने, बस इसको इंडियन सिनेरियो में सेट कर दिया स्टोरी को। थर्ड, स्लो स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले बहुत स्लो होने की वजह से आप बोर होने लगोगे वेब सीरीज़ में, और धीरे धीरे हो सकता है 12 के 12 एपिसोड आप देख भी ना पाओ, आप आधे में पेट भर जाएगा आपका, फिर देखने का मन नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं इसके गुड एस्पेक्ट्स की। फर्स्ट, स्टार कास्ट अच्छी है, तो एक्टिंग अच्छी हुई है इसके अंदर। ओवरऑल जो एक्टिंग है स्टार कास्ट की और परफॉर्मेंस है वो अच्छी है और वो देखने लायक है। सेकंड, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है माइग्रेंट वर्कर्स के साथ पंजाब में, वो अच्छे से दिखाया गया है इसके अंदर और एक अच्छी कोशिश की गई है उस सच। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ओवरऑल मेरा यही होगा कि इसे आप सिर्फ तब देखो जब आपके पास अगर टाइम है, वरना इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली स्किप कर सकते हो, और अगर आप इनमें से किसी एक्टर के फ़ैन हो तो देख सकते हो। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू योर ऑनर वेब सीरीज़ का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने ये वेब सीरीज़ देख लिया तो आप क्या सोचते हो इस बारे में, ये कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर कोई वीडियो आइडिया हो आपके पास तो वो भी मुझे बता सकते हो। आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब बटन को दबाकर या मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करके। सो गाइज, दिस इज़ अभिषेक तिलवर साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।